खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नशीब है। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के गांव बंडुखर की इंदु शर्मा अपने पति की मृत्यु के बाद आईटीबीपी फोर्स में अपनी सेवाएं दे रही थी। उसका पंचकुला में हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इंदु शर्मा का पार्थिव शरीर मध्यरात्रि उनके निवास स्थान बंडुखर में पहुंचा और आज सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उपमंडल अधिकारी इंदौरा सोमिल गौतम, आईटीबीपी के जवान, स्थानीय पंचायत सदस्य और कई लोग इंदु शर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इंदु शर्मा के पार्थिव शरीर को उसकी बेटी कीर्ति शर्मा ने मुख्याग्नि दी। इंदु शर्मा अपने परिवार में दो बेटियां छोड़ गई है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि इंदु बाला के पति का देहांत कुछ साल पहले हुआ था और उसके बाद करुणा मुल्क आधार पर वह अपने पति के आश्रित के रूप में आईटीबीपी में कार्यरत थी। कुछ समय से वह भी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी और इसी दौरान वह अपनी सैनिक सेवाएं देने के दौरान अपने बीमारी से भी जूझ रही थी। इंदु शर्मा ने अपने प्राथमिक शिक्षा रियाली प्राइमरी स्कूल से और 12वीं तक की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरपुर से ली और वर्ष 2010 में आईटीबीपी फोर्स में सैनिक के रूप में भर्ती हुई। आईटीबीपी फोर्स में सेवा करने का मौका उन्हें अपने पति के मृत्यु के बाद मिला, जो कि आईटीबीपी में ही बतौर सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनकी मृत्यु दैनिक दिनचर्या के दौरान हो गई थी। अब इंदु शर्मा ने भी दुनिया छोड़ गई है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानियों की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन शहीदों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, उन वीर बलिदानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।